और देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। चुनाव से पहले सोशल मीडिया में कांग्रेस की कड़ी नजर है। पार्टी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वालों की लिस्ट बनाई जा रही है। बता दें, अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई होगी और सख्त कदम उठाने की तैयारी में प्रदेश संगठन है। संगठन ने पत्र के माध्यम से सभी को अवगत भी कराया है। तो चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की कड़ी नजर है। जो पार्टी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में हमारे माननीय प्रभारी पीएल पुनिया साहब का निर्देश हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, तो हमने देखा कि लगातार बहुत जगह से शिकायतें आ रही अनुशासनहीनता की, तो हम लोगों ने यह तय किया है कि अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी अगर पार्टी के कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करते हैं, संगठन सरकार के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करते हैं, विपरीत टिप्पणी करते हैं, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को हम चिन्हांकित भी कर रहे हैं और अपने जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से हमारे तक जो शिकायत आ रही है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे वो बैनर पोस्टर पर फोटो लगाने की बात हो या अन्य कोई टिप्पणी की बात हो, ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके हम उन पर काफी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलेश्वर पांडे लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रख रही है कांग्रेस और इसके साथ ही सक्रिय भी नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल 2023 का चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी देते हैं उस पर अब कड़ी निगरानी जो है कांग्रेस संगठन रख रही है। सोशल मीडिया साइट में ज़्यादातर होता है, हमने देखा है कि किसी अगर व्यक्ति को उपेक्षित कर दिया जाता है या उसको उस पद नहीं दिया जाता है तो वो सोशल मीडिया में कई तरह के बयान जो है पार्टी के खिलाफ रखते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके पहले भी संगठन ने जो एक पत्र जारी किया है, अमरजीत चावला जो संगठन महामंत्री, उन्होंने पत्र जारी करके सभी जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष को पत्र दिया गया है और साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो उसकी जानकारी जो है संगठन में दिया जाए, उसकी हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी विधिवत वो कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि अनुशासनहीनता जो है अब कांग्रेस पार्टी में नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं अगर इस तरह की जो पार्टी खिलाफ ही पार्टी के कार्यकर्ता जब बोलते हैं तो बैठे बैठे जो विपक्ष को मुद्दा बन जाता है, फिर विपक्ष जो है इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर जो सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। तो चुनाव के पहले कांग्रेस सतर्क हो गई है, साफ तौर पे उनकी निगरानी है सोशल मीडिया साइट में और संगठन जो तमाम जिला ब्लॉक अध्यक्ष है उनसे भी लिस्ट मंगाई जा रही है कि आखिर कौन कौन पार्टी के विरोध में काम कर रहा है, कौन संगठन के बारे में टिप्पणी कर रहा है और वो लिस्ट फाइनल करने के बाद जो है निश्चित तौर पर बड़ा एक्शन जो है कांग्रेस पार्टी ले सकती है। जी बिल्कुल, तो कह सकते कुलेश्वर कि चुनाव को देखते हुए हर पहलू पर कांग्रेस काम कर रही है और इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर अब कड़ी नजर होगी कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।